हेलो, आप सभी के साथ भी स्टूडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 271 में 22 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, 22 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। इस प्रकार से यदि आप स्टेप बाई स्टेप समझने का प्रयास करेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो, क्या इससे बड़ा है? यस। अब हम इसको एक से लेकर नौ तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 27 से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। देखिए, 22 को हम एक से गुणा करते हैं, 22 तो भाग गया, एक बार आ गया 22। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 5, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आएंगे। अब 22 को हम दो से गुणा करते हैं, किससे? दो से, तो कितना आ गया 4, 4 भाग गया दो बार। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 7। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी रहेगी, किससे? जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर किसका डिवाइड कर रहे हैं, 22 का, तो ये आपकी 22 से छोटी मिलेगी। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, तो बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ ज़ीरो लिख देते हैं, कितना बन गया 70। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है 66। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 4। ठीक है, अब पॉइंट लगा रखा है तो ज़ीरो लिख देंगे। ध्यान रखें, पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या पावर है, स्पेशल पावर है, घटाते जो संख्या है उसके साथ एक ज़ीरो लिखना है। देखिए, 22 को दो बार लेते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन एक बार लेते हैं तो इससे बड़ा नहीं है, 22 आ गया। फिर हमने इसको घटाना है, इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या आ गया आपका भागफल, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद।